सकते हैं लगातार वर्तमान काल। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं या कैसे बदलते हैं। एक्टिव वॉइस का सूत्र के लिए सब्जेक्ट यानी कर्ता पहले आ जाएगा जी। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का सूत्र लिए ऑब्जेक्ट यानी कर्म पहले आ जाएगा। इसका सहायक क्रिया इज आर एम लगाएंगे। इसके बाद प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इज आर एम का उपयोग एक वचन कर्ता के साथ इज का उपयोग करते हैं जी। एक वचन कर्ता जैसे ही सी एट नेम एक वचन कर्ता के साथ काय का उपयोग करते हैं इज का उपयोग करते हैं। आई के साथ एम का उपयोग करते हैं और दे बी यू के साथ आर का उपयोग करते हैं जी सर। यानी यदि कर्ता ही सी इट नेम होगा तो इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सहायक क्रिया जी सर। आई होगा कर्ता तो एम सहायक क्रिया लिखेंगे। यदि दे बी यू होगा तो आर सहायक क्रिया लगाएंगे ठीक है जी सर। जैसे एग्जांपल तुम पत्र लिख रहे हो तो इसकी पहचान होती है रहा है रही है रहे। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे आदि शब्द आएंगे तो अपन पहचाने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। कर्ता बहुवचन है कि एक वचन कर्ता क्या है बहुवचन है तो यू मीन्स क्या होता है तुम। अब इसके बाद सहायक क्रिया तो बहुवचन तो क्या लगेगा आर आर लिखेंगे।